नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एनआरसी और सीए के विरोध में जिस तरीके से बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बाद अब बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, ये रास्ता सीधा साफ हो गया है। नीतीश कुमार के भाषण के बाद ये कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जो मंसूबे हैं सरकार के, वो सीधा सदन में प्रस्ताव बनकर उभरे और उसे पारित भी कर दिया गया। लेकिन अब जब कन्हैया कुमार की आज रैली है, उस पर आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं कि अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है बिहार में, जब तेजस्वी यादव ने संघर्ष के साथ इसे समझा है, इस पर लड़ाई लड़ी है और अब जब जीत हासिल हुई है, तो बिहार में जब एनआरसी सीए है ही नहीं, तो फिर रैली किस बात की। जरा सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी नेता विजय प्रकाश। देखिए, यह स्वाभाविक रूप से जब शुरुआत हुआ था एनआरसी का, तो तेजस्वी यादव मजबूती से इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास बैठने का काम किया और इसका अक्षरशः प्रस्ताव पारित मजबूरन नीतीश कुमार जी को करना पड़ा। और अब इस पर यदि कोई विशेष रूप से कोई मामला उठाता है, तो अब कोई मायने नहीं रहता है इसका। अब तो भारत सरकार के हाथों में चला गया पल्ले में, अब भारत सरकार से लड़ाई हमारा शुरुआत रहेगा और वहाँ जाकर लड़कर जो है इसको कराना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को भी यह चाहिए कि भारत सरकार इस पर कितना जल्दी जो है अमल करता है, इसके बारे में इनको वार्तालाप करना चाहिए। इसलिए डबल इंजन की सरकार है, दोनों साथ हैं, बात करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव खुले तौर पर पार्टी के से अपने आप को ऊपर रखते हैं, उन्होंने पहले कहा कि हम कहीं से भी लड़ेंगे चुनाव, पूरा बिहार हमारा है। कल उन्होंने कहा कि मैं महुआ से ही चुनाव लड़ूंगा, तो क्या पार्टी के कायदे कानून उनके लिए मायने नहीं रखते? अगर रखते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई करती है, अनुशासन कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है संविधान के पथ पर चलता है और आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, कोई यदि बोल दिए हैं तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। इस पर जो है जब निर्णय लिया जाएगा तब इस पर जो है विचार किया जाएगा। अभी तो हम भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं कहीं से चुनाव लड़ेंगे, इसका कोई मायने नहीं है। तो आपने विजय प्रकाश को सुन लिया है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि आज कन्हैया कुमार की रैली भी होनी है। जब उस पर सवाल पूछा गया उन्होंने, तब कहा उन्होंने कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। हाँ, अब देश में लड़ाई लड़नी है, वो बात तो है, तो क्या देश की लड़ाई जो है वो बिहार से ही लड़ी जाएगी? कन्हैया कुमार की जो आज रैली है बिहार में खा सके, तो इसका बिहार में क्या औचित्य है? सवाल कहीं ना कहीं तो खड़े हो रहे हैं और जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता जो हैं वो आगे चलकर हावी होंगे, ये लाजमी से बात है। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव तो बेरोजगारी यात्रा पर निकल चुके हैं, कन्हैया कुमार आज के भाषण में क्या कुछ कहेंगे, सबकी निगाहें उस पर लगी रहेंगी, वो भी खासकर बिहार में जब विधानमंडल से प्रस्ताव पारित हो चुका है, उसके बाद उन बातों का क्या अर्थ रह जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।